सुहानी, ये लैंप कैसा रहेगा निरंजन सर के लिए? इट्स सो ब्यूटीफुल एंड एंटीक। एंटीक तो है, पर यार इसमें कुछ हटके नहीं है। निरंजन सर हमारे आर्ट प्रोफेसर हैं, तो हमें उनके लिए ना बहुत ही आर्टिस्टिक गिफ्ट लेना चाहिए, नॉट दिस। यू आर राइट, बट यार इतना भी बुरा नहीं है। आई रियली लाइक इट, बट ठीक है, इफ यू आर सेइंग, हम कुछ और देख लेते हैं। बहुत बुरा है, चल।
राधिका चलो लुक व्हाट आई फाउंड दिस इज ब्यूटिफुल भैया ये बॉक्स में क्या है मैम ये तो नहीं मालूम मुझे क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ और मेरे सेट आने वाले हैं उन्हें यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा मालूम है वैसे आप चाहें तो खोलकर देख सकती हैं ठीक है थैंक यू वेलकम मैम व्हाट इज दिस वाओ दिस इज स्टनिंग यार हम सबको ये दे रहे नो नो वेज दिस इज सो अगली अगली यस कहां से यार इट्स सो आर्टिस्टिक एंड इट फील्स सो अलाइव यार जिसने भी ये बनाया ना बड़े पैशन के साथ बनाया यार सो को ये बहुत पसंद आएगा आई एम टेलिंग यू वी आर टेकिंग दिस नो नो दिस इज नॉट नाइस चल सेठ जी नमस्कार सेठ जी ये लीजिए 2000 रुपए ये समझिए ये पूरा प्रॉफिट है आज मैंने बहुत बड़ी सेल की है अच्छा ऐसा क्या बेच दिया तुमने सेठ जी वो जो बॉक्स पड़ा था ना कोने में जिस पर धूल जम रही थी वो मैंने 2 लड़कियों को 2000 रुपए में बेच दिया अरे ये क्या किया तूने किससे पूछ के बेचा उस पे कोई प्राइस टैग था नहीं था ना तो क्यों बेचा वो सेठ जी मुझे लगा आप खुश होंगे कौन थी वो लड़कियां कहां रहती हैं कुछ पता तुझे सेठ जी ये तो नहीं मालूम बस पैसे दिए और चली गई हेलो क्या बात है निरंजन क्यों फोन करते रहते हो तुम यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं किया मुझे मेरी दिया से बात करनी थी कैसी है वो लुक शायद तुम भूल चुके हो कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर दिया है ना तो तुम दिया से मिल सकते हो और ना ही तुम उसे फोन पे बात कर सकते हो सो प्लीज मुझे फोर्स मत करो कि मैं पुलिस की हेल्प लूं डू यू अंडरस्टैंड दैट देखो सुमन आज मेरा जन्मदिन है एंड आई एम श्योर या मुझे विश करना चाहेगी आज के दिन मुझे उसके साथ स्पेंड करने दो प्लीज जस्ट शट अप निरंजन मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है आपके लिए छोटा सा गिफ्ट ओह थैंक यू सो मच दैट्स सो स्वीट वाकई बहुत खूबसूरत बॉक्स है लवली गिफ्ट थैंक यू सो गिफ्ट ये नहीं है रियल गिफ्ट इसके अंदर है ओह रियली दैट्स नाइस ठीक है मैं इसे बाद में देखूंगा पहले क्लास शुरू करते हैं नहीं सो एक बार खोल के तो देखिए
एक्चुअली हम सब काफी एक्साइटेड है आपका रिएक्शन देखने के लिए. प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज. ओके ओके ओके. Wow, what a piece of art. Beautiful. Sorry to say this, sir, but this mask is looking really funny. वो तो सुहानी ने जिद करके ले लिया, but ये बहुत ही ugly mask है, कहीं से piece of art नहीं लगता. Yeah, I'm okay. I'm okay. Suhani, chalo. I loved the class today. I know, so it's much so much fun. वैसे निरंजन सर हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक उन्होंने इस अगली मास को वर्क ऑफ आर्ट नहीं कहा था. शट अप राधिका, तुम बहुत मीन हो यार. ए, मुझे अर्जेंट कॉल आ रहा है. आई विल सी यू आउटसाइड. ओके, आई विल सी यू इन 2 मिनट्स. ओके, बाय बाय. राधिका क्यों नहीं आई? राधिका क्या कर रही है ये अंदर? राधिका यार, thank you.
रिया मैं लेटर हैप्पी बर्थडे पापा थैंक यू बेटा पर तुम इस वक्त यहाँ पर तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए होना तो चाहिए था पापा पर आपको पता है ना अगर मैं मम्मी से पूछती तो वो मुझे यहाँ कभी ध्यान देती तो बस स्कूल बंक मार दिया That's not nice, बेटा स्कूल बंक करना अच्छी बात नहीं होती आप मुझे देखकर खुश नहीं हो अरे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है तुम अच्छी तरह जानती हो तुमसे बढ़कर दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं तो अच्छा लगा आपको अपना बर्थडे गिफ्ट ऑफ कोर्स इससे यह गिफ्ट हो ही नहीं सकता ओके अभी गिफ्ट भी मिल गया तो अभी पार्टी तो देनी पड़ेगी आपको चलो डन मैं जल्दी से जूते पहन के आता हूँ ठीक है तुम तो वेट करो मैं पहुंचता हूँ वाओ कितना प्रिटी बॉक्स है ये क्या कर रही हो तुम दूर जाओ कितनी बार समझाया तुम्हें मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने और ना ही स्कूल ने जो तुम बक करती रहती हो बेवकूफ ऐसा क्या किया है मैंने जो आप मुझे गिरा के डांट रहे हो आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो मैं नहीं देख सकती चुप बिल्कुल चुप अब कोई सवाल जवाब नहीं बेटा बेटा आई एम रियली सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था दीव बेटा पापा ने कहा ना आई एम रियली सॉरी गुस्सा आ गया था मुझे मैं पर पापा आपने मुझे से कभी नहीं डांटा मैं जानता हूँ बेटा पापा सॉरी लेकिन ऐसा क्या है इस बॉक्स में जिसको लेकर आपको इतना गुस्सा आ गया था दीव है कुछ ऐसा जो मैं नहीं चाहता कि तुम देखो और बस इस बारे में और सवाल नहीं मैंने तुम्हें सिखाया है ना दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए एनीवेज तुम आज मुझसे मिलने आई मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच एंड आई प्रॉमिस अब हम रेगुलरली मिलेंगे ओके ओके बाय पापा बाय बेटा सी यू सून गुड मॉर्निंग एवरीवन सेटल ऑन प्लीज आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे मास्क बनाने का आर्ट यानी नकाब बनाने की कला बट सर आज तो आप ब्रश स्ट्रोक की टेक्निक सिखाने वाले थे तो क्या हुआ मैं अपना प्लान बदल नहीं सकता मूड चेंज हो गया मेरा क्या हुआ आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे चेहरे पे तो कोई नकाब नहीं है वैसे हर चेहरे के पीछे एक नकाब होता है और हर नकाब के पीछे एक चेहरा जिसे लोग अपने गुनाहों और गलतियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की सच्चाई जाननी हो तो उसे मास्क पहना देना चाहिए नकाब बनाना भी एक कला है और उसे निभाना भी
मुझे तुमसे अभी बात करनी है। सुमन अभी मेरी क्लास चल रही है। Listen, I don't care कि तुम्हारी कोई क्लासेस चल रही है यहाँ पे। Guys, this is my wife. As you can see, she is very angry. Excuse me? मैं गुस्से में जरूर हूँ लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग करने आई। आज के बाद अगर तुम दिया के आसपास भी दिखाई दिए, तो you'll get arrested. उसके बाद क्लास करते रहना अपनी जेल में। This is my last warning to you. दिया और मुझसे दूर रहो। और हाँ, अगली बार मैं नहीं आऊंगी, पुलिस आएगी। Just remember that. ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं प्लीज मुझसे ऐसा मत करवाओ। नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझसे ऐसा मत करवाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जैसी भी है लेकिन है तो दिया की मम्मी। मेरी बीवी है वो। तू भी बता। हेलो मॉम, मैं दिया बोल रही हूँ। दिया बेटा तुम कहाँ हो, इतनी देर हो गई, कब तक आ रही हो? मूवी खत्म हो गई है, मैं आधे घंटे में घर पहुँच जाऊँगी। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे। बाय। निरंजन ये तुम ही हो। शर्म नहीं आती? मुझे मालूम था तुम ऐसी हरकतें करोगी। यही है तुम्हारी औकात। अभी भी सुधर जाओ,
अभी भी सुधर जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। बहुत अजीब बात है ना, निरंजन सर की वाइफ की डेथ भी ठीक उसी तरह हुई जैसे राधिका की हुई थी। सर भी कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं आजकल। और ये सब उस दिन से स्टार्ट हुआ जिस दिन उनका बर्थडे था। हाँ यार, पूरा दिन सिर्फ मास्क की ही बातें करते रहते हैं, वियर्ड। या सीरियसली, मुझे ये सब करने को अच्छा नहीं लगता, मुझे मैं नहीं करना चाहता ये सब। चुप 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 चुप, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, नहीं मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे सब सच सच बताइए, क्या है उस मास्क का राज? मैं दुनिया भर से पुरानी प्राचीन चीजें इकट्ठी करके अपनी इस दुकान पे बेचता हूं। यहां से कुछ 1,500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। ये मास्क मैंने वहीं से खरीदा था। कहते हैं 100 साल पुरानी एक कहानी जुड़ी हुई है इस मास्क के साथ। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ, ये मैं नहीं जानता। क्या है वो कहानी? कमला, तुम्हारे बाबा ने देखा तो नहीं आते? नहीं गोपाल, किसी ने नहीं देखा, छुपते छुपाते आई हूँ तुमसे मिलने। गोपाल, ये क्या बना रहे हो? पतंगा? बनाना था तो तितली बना दे। पतंगा भी तितली की तरह है, बस बेरंग, इसे परवाना भी कहते हैं। अगर पतंगे को आंकना है तो इसे दिए की लौ की खूबसूरती से आंको, जिसपे मर मिटता है पतंगा। लेकिन ये कितना भद्दा है। ऐसे मत कहो, ये तो मैं हूं। जिस तरह पतंगा दिए की लौ की खूबसूरती से खींचा चला आता है, उस तरह मैं तुम्हारे मोहब्बत में खींचा चला आता हूँ कमला। अच्छा, बच के रहना वरना इस पतंगे की तरह तुम भी जल जाओगे। मैं बचना चाहता भी नहीं, मैं तो खो जाना चाहता हूँ। गोपाल! चल उठ यहाँ से, उठ, तेरी वजह से पूरे गांव में मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। कमला, मेरा हाथ। तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। गोपाल, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, गोपाल, गोपाल। कहते हैं कि गोपाल की आत्मा आज भी उस मास्क में बसती है। क्या बकवास है ये सब? बकवास नहीं है ये, उस मास्क ने मेरी माँ की हत्या की है। मैंने खुद अपने हाथों से उस मास्क को उस बॉक्स में बंद करके रखा था ताकि किसी के हाथ ना लगे। कहाँ है वो मास्क? वो बेचने के लिए नहीं था। हमारे आर्ट प्रोफेसर के पास। ध्यान रखना, उस मास्क को किसी भी तरह की बेइज्जती पसंद नहीं है। कोई भी उसके खिलाफ या उसे पहनने वाले के खिलाफ अगर बोलेगा, कुछ गलत कहेगा, तो वो मास्क उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप शायद सही कह रहे हैं,
राधिका ने उस मास को बदसूरत कहा था और सर की वाइफ ने भी ना क्लास में आके सर की इंसल्ट की थी सबके सामने, इसलिए वो दोनों। मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे बचाऊं सर को उस मास से, प्लीज। जिसके पास वो मास्क है वो खुद ही अपने आप को उस मास्क से बचा सकता है, वो खुद अपनी इच्छा शक्ति से उस मास्क से लड़कर बच सकता है, वरना और कोई भी उसे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। आओ बेटा। तुम्हारा कमरा ऊपर है। हाँ मैं तुम्हारा सामान भी ऊपर रख देता हूं। अगर मैं उस फ्रेंड के साथ मूवी देखने न गई होती तो आज मम्मी मेरे साथ होती है ना पापा? वो सिर्फ एक हादसा था, उसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। देखो बेटा, जिस दिन हमें जिंदगी मिलती है ना, उसी वक्त हमारा मौत का समय भी तय हो जाता है। उन दो पलों के बीच हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं यह हम पर निर्भर है, बाकी और कुछ नहीं। आ तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। से डर गई? ये तो पतंगे हैं, इनसे डरने की कोई बात नहीं, खेलो इनसे, खेलो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत अच्छा।
खतरनाक है, हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। प्लीज ये मास्क उतार दीजिए, ये कोई नॉर्मल वर्क ऑफ आर्ट नहीं है, इसमें एक आत्मा है। आई स्वेयर सर, प्लीज बिलीव मी सर, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज प्लीज ये मास्क उतार दीजिए। और ये मास्क उतारिए। पापा, 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 होश में आइए पापा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। पापा मैं दिया, पापा आप बहुत अच्छे इंसान हो। इस मास्क को उतार दीजिए, इस मास्क के पीछे एक बहुत बड़ा इंसान है। दिया, भाग जाओ यहां से, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। भाग जाओ, भाग जाओ, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। भाग जाओ दिया। पापा प्लीज इस मास्क को उतार दीजिए। मेरी बात मानो, जल्दी भागो, भागो यहाँ से। पापा, पापा, ये आपने क्या कर दिया पापा? सर, दिया, हम इस मास्क को कहीं गाड़ देना होगा ताकि ये किसी और के हाथ ना लगे, ठीक है? पार्टी में रमेश ने बॉस के सामने उसकी सेक्रेटरी को भाभी जी कह दिया। यू नो, उसके बाद बॉस का चेहरा देखने लायक था ना। सो फनी ना। पापा मुझे कुछ मिला है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। पापा, मैं वो पेड़ के नीचे खड्डा खोद रहा था अपना विशिंग बॉक्स छुपाने के लिए, तो वहां मुझे ये मिला। बहुत खूबसूरत है, नहीं? चतुरी की तो ऐश है, ऐश। ऐसे मांगने से नहीं मिलता है, किस्मत वालों को ही मिलता है बड़ा घर। खबर वाली, वैसे भी ना लिखवा के आने पड़ता है, लिखवा के। बात करते हैं। अब ऐसे किस्मती कहेंगे इसको तो। मालकिन तो 2 महीने से बाहर गई हुई हैं और साहब भी आधा टाइम मुंबई से बाहर रहते हैं। मानना पड़ेगा चतुरी को, अकेले घर में राज कर रही है, राज। हाँ पी साहिब, बोलिए। एक काम है चतुरी तुम्हारे लिए, तुम जाकर फ्लैट को अच्छे से साफ कर दो। जी 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 साहिब, हो जाएगा। और ये काम करना तो चतुरी के बाएं हाथ का खेल है। चतुरी सफाई अच्छे से करना। हाँ, बस वो साहिब मेरे पैसे का थोड़ा ध्यान। पैसे की चिंता मत करो। हाँ, हो जाएगा साहिब, हो जाएगा।
जी 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 साहिब ओके। साहब भी पता नहीं क्या क्या कराता रहता है मेरे से। इस काम का तो साहिब से मोटा पैसा लेगी अपुन। मोटा पैसा? चल जल्दी काम पे लग जा। बड़े साहब लोगों का ना सही चक्कर रहता है। इन अपुन को क्या है, अपुन को तो खूब सारा पैसा मिलेगा, पैसा। और अपुन तो पैसे के लिए कुछ भी करेगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, इस बार कनाडा काफी समय बिता के आए आप। हाँ, बस सूरज की छुट्टियां थी ना 2 महीने की। जी, और सब कैसा है यहाँ पर? मैडम यहाँ तो सब ठीक ठाक है, अब मैं सामान निकालता हूँ। सूरज आ जाओ मामा। अपने पांव पर चलकर घर भी नहीं जा सकती, मैं तो थक गई हूं अब मैं इस व्हीलचेयर पर बैठे बैठे, पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। मामा, मामा पूरे 2 महीने हम नानी के यहाँ ट्रीटमेंट सर्जरी करवा के आए। मामा ऐसे मत बोलो मामा, ये मत सोचो कि क्या हो गया है, ये सोचो कि क्या हो सकता है। चलो मामा, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
मम्मा घर आ गया। बेटा पापा को फोन कर लेना चाहिए। ओह नो मम्मा, मम्मा आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरा सरप्राइज वेस्ट नहीं करोगे। मम्मा हम 5 दिन पहले आए हैं। मम्मा सोचो, पापा ट्रिप से लौटेंगे और हमें अचानक से देखेंगे, कितना मजा आएगा मम्मा, कितने खुश हो जाएंगे ना वो। मम्मा प्लीज मेरा सरप्राइज मेरे वेस्ट करो, प्लीज प्लीज मम्मा प्लीज। वो तो ठीक है बेटा, पर पापा गुस्सा करेंगे। नहीं करेंगे, आप देख लेना, पापा हमें देख के खुशी से नाचने लगेंगे। प्लीज मम्मा प्लीज। अच्छा चलो मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, ओके। पापा की न्यू नाइफ कलेक्शन कितनी बढ़ गई है। 8 से सीधा 13 और ये नया वाला तो। सूरज, सूरज कहाँ हो? आया माँ। लो, आप फिर से जीत गए यार। जीती नहीं हूँ, बल्कि मुझे मेरे बेटे ने फिर से जिता दिया। कितना ख्याल रखते हो ना तुम मेरा, पर बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि तुम्हें मेरे लिए पूरा दिन घर पर रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेटा नीचे जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। पर मम्मा आपको किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी। चतुरी आने वाली है खाना बनाने, अगर जरूरत हुई तो वो है ना मेरे पास। वो हमारा प्लान जरा जल्दी बन गया। ओ, सर को पता है? वो तो काम से बाहर गए हुए। दरअसल उन्हें पता नहीं है, सूरज का प्लान था कि हम पापा को सरप्राइज देंगे। अच्छा अंकल, आप भी उन्हें कॉल वॉल मत करना, बताना मत उन्हें, अचानक से हमें देखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा। बेटा जाओ अब। ओके। मैं आपको फोन करने ही वाली थी,
थैंक यू सो मच, आपने इनका इतने अच्छे से ख्याल रखा जब हम लोग नहीं थे। अच्छा वो आज चतुरी नहीं आई? मैं अभी देखता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लड़की को एक आदमी ने चाकू से अटैक किया, मैंने खुद खुद देखा अपनी आंखों से, मैंने खुद देखा। मैं देख क्या दूं? अरे नहीं सूरज, मैं नहीं जा सकती। मैं देख क्या? सूरज, सूरज वहां जाना खतरनाक है। सूरज भैया, भैया जल्दी चलिए मेरे साथ, जल्दी चलिए। क्या हुआ बाबा, कहाँ चलना है? वो मेरे घर के सामने वाली बिल्डिंग में बी ब्लॉक 5th फ्लोर, वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, जल्दी दौड़ मेरे साथ। बाबा हम ऐसे किसी के घर में कैसे जा सकते हैं? एक मिनट, वो बी विंग में 5वें माले पे उस फ्लैट की बात कर रहे हो क्या? हाँ बाबा, वो तो काफी समय से बंद पड़ा है, वहाँ कोई रहता ही नहीं, वहाँ कौन हो सकता है? वो सब मैं नहीं जानता, मेरी मम्मा ने वहाँ कुछ बहुत बुरा होते हुए देखा है। आप जल्दी चलिए मेरे साथ। चलो जल्दी चलिए, जल्दी चलिए मेरे साथ, चलिए। आप आइए आइए, ये आइए। एक सेकंड, ये फ्लैट कई महीनों से बंद पड़ा है, चूहा हुआ मर गया होगा, उसी की बदबू है ये। तुम्हारी गलतफहमी हुआ, यहाँ कोई नहीं रहता। हेलो, हाँ मम्मा। सूरज तुम कहाँ हो? अरे मम्मा मैं उस फ्लैट में हूँ। सूरज वहाँ कोई दिखा? यहाँ यहाँ कोई नहीं है। मना किया था ना तुझे वहाँ जाने से, क्यों गया? अभी क्या भी घर आओ। अरे मम्मा वो मैं ऐसे ही आ गया था। सूरज अभी इसी वक्त घर वापस आओ। ओके मम्मा। फ्लैट में गया पर वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हो। गार्ड से पूछने पर बस इतना पता चला कि वो फ्लैट बहुत दिनों से बंद पड़ा है, इसलिए वहाँ एक अजीब सी स्मेल आ रही थी बस। नहीं बेटा, मैंने खुद देखा है, वो आदमी उस औरत को बहुत बुरी तरह मार रहा था। मम्मा ये आपका वहम है, वो फ्लैट तो इतनी दिनों से बंद पड़ा है और क्या। चलो ना मम्मा, बहुत भूख लगी है, चलो ना बेटा। पर मम्मा बहुत भूख लगी है, चलो ना। एक तो ये चतुरी भी आज नहीं आई है, चलो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। चलो मम्मा
देखो कौन है वहाँ। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सूरज, सूरज बेटा, सूरज। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? सूरज, वो बेटा, वो वहाँ, वहाँ कोई है? नहीं। मम्मा वहाँ कोई नहीं है मम्मा। नहीं बेटा है, एक डरावनी सी औरत। मम्मा आपने बुरा सपना देखा होगा। वहाँ कोई नहीं है। नहीं सूरज, कोई सपना नहीं देखा। वहाँ मम्मा रिलैक्स, कोई नहीं है वहाँ पे। मम्मा मैं हूँ ना आपके साथ। एक काम करते हैं, आज रात मैं इधर ही सो जाता हूँ, ओके? और ये भी हो सकता है शायद से दवाइयों का असर हो। स्लीप 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 स्लीप। क्या करूं? अब चतुरी किधर है? वो आज काम पर आई है। क्या मालूम साहब, कल तो दिखी थी, आज तो मिली नहीं। और वैसे भी ना चतुरी का कुछ भरोसा ही नहीं, कहाँ जाती है, क्या करती है। गार्ड जरा रजिस्टर में देखो चतुरी आई है क्या, उसकी एंट्री होगी ना। जी साहब। साहब इसमें एंट्री तो है कल की, लेकिन उसका आउट टाइम नहीं है। आउट टाइम नहीं है? Switched off. ये राहुल का फोन क्यों नहीं लग रहा? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतने साल हो गए इस घर में, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये भारीपन, राहुल। भरत को फोन लगाती हूँ, उसे बोलती हूँ कि मेरा राहुल से कैसे भी कांटेक्ट करवाए। भरत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा लिसन, ये राहुल का फोन क्यों नहीं मिल रहा है? इट्स कमिंग स्विच्ड ऑफ। क्या सर का फोन लग नहीं रहा है? बहुत अर्जेंट बात है, प्लीज किसी भी तरह से मेरा उनसे कांटेक्ट करवाइए। डोंट वरी मैम, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। या थैंक यू। हेलो प्रिया। डॉक्टर आप कैसे हो? और पैर कैसा है अभी? चलने की कोशिश कर रही हो? ऑनेस्टली नहीं। पर डॉक्टर आपको कैसे पता चला कि हम आ गए हैं? वो कल सूरज ने आपके हस्बैंड के पीए के थ्रू मुझे मैसेज ड्रॉप करवाया था। आपका फिजियो इमीडिएटली स्टार्ट करना है, ओके? तुम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हो ना? जी। क्या हुआ प्रिया, तबीयत ठीक नहीं है या जेट लैग हुआ है? शायद जेट लैग। देखो प्रिया, ये फिजियो के फुल इफेक्ट के लिए तुम्हारा बॉडी रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। आप गर्म पानी से नहा लीजिए, यू विल फील बेटर। उससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, राइट? चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। Thank you.
काम डाउन, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, रुको, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। प्रिया काम डाउन, कौन है प्रिया यहाँ? कोई भी नहीं। प्रिया, nobody is there, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। मम्मा ने अपना क्या हाल बना लिया। नानी कहती थी कि अगर बुरे ख्याल आए तो लोहे का चाकू सिरहाने के नीचे रख कर सो जाना चाहिए। ठीक है, पापा की नाइफ कलेक्शन में से एक ले लेता हूँ। ओके, यही ठीक रहेगा। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? या तो कोई नहीं है। कौन है? कौन? ये कौन है? ये क्यों रे? सूरज बेटा, बेटा क्या हुआ? मम्मा, मम्मा आप तो, मम्मा आप तो यहाँ खड़ी थी ना, तो फिर ये व्हीलचेयर। सूरज कैसी कैसी बातें कर रहा है बेटा, मैं व्हीलचेयर से कैसे उठ सकती हूँ? हुआ क्या, इतने डरे क्यों हो तुम? मम्मा, मम्मा, मम्मा इस घर में कुछ गड़बड़ है मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। कोई बात नहीं, इधर आ तू, इधर आ। वो चाकू कहाँ गया? यहीं तो था।
अंकल सर के आने से पहले कुछ भी करके मुझे वो चाकू ढूंढना ही पड़ेगा, वरना कहां जा सकता है वो चाकू? ये चतुरी भी पता नहीं कहां गायब हो गई है। मुझे इस फ्लैट में जाकर पता करना पड़ेगा, मैंने चतुरी को यहां भेजा था। ये लाइट वाले भी बिना बात के लाइट काट देते हैं। दो दिन पहले चतुरी को यहां सफाई के लिए भेजा था, तब से चतुरी भी दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहां मर गई चतुरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। चतुरी, चतुरी, मैं यहां हूं साहब। Papa!
सूरज? पापा, पापा, पापा। क्या हो गया बेटा? पापा, पापा, मम्मी को कुछ हो गया पापा। शब से वापस आया जीव अजीब सी चीज हो रही है पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। बिल्कुल चुप, चुप हो जाओ, चुप। पापा आ गए ना? चुप, चुप, चुप। क्या हुआ? क्या हुआ मामा को? मामा कहाँ है? है कहाँ मामा? प्रिया प्रिया, ये तुम अपने पैरों पे व्हीलचेयर, ये सब कैसे हो? वो सूरज क्या बोल रहा था? राहुल, तुम आ गए? क्या कह रहा था सूरज? क्या कह रहा था सूरज? देखो, ठीक तो हूं मैं। याद आया कुछ राहुल? यही पसंद है ना तुम्हें? मेरी यादें, मेरे ये खुले बाल, मेरी आवाज। आओ ना करीब राहुल। Just stop it, प्रिया। ये क्या कर रही हो तुम? राहुल, प्यार करते हो ना मुझसे? हमेशा मेरे साथ रहना चाहते थे। आओ ना राहुल, करीब आओ ना मेरे। प्रिया, just stop it, don't do this। राहुल, just stop it। कौन है तुम? मुझे नहीं पहचाना राहुल। तुम मेरी प्रिया नहीं हो सकती। कौन है तुम? कौन है तुम? छोड़ो मुझे। तुम क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? नहीं हाँ, मैं स्नेहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करना चाहता। अब हमें कोई अलग नहीं करेगा, तुम खुद भी नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। दूर रहो उसे, दूर रहो। मैं फिर से जान से मार डालूंगा, जैसे मैंने तुम्हें पहले मारा था। राहुल, ये मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये क्या कर रहे हो राहुल? मैं हूं तुम्हारी प्रिया। नहीं, तुम मेरी प्रिया नहीं हो सकती। तुम स्नेहा, स्नेहा हो तुम। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम स्नेहा हो। राहुल, मैं प्रिया हूँ। और ये स्नेहा कौन है? किसकी बात कर रहे हो राहुल तुम? राहुल, क्या हो गया तुम्हें? सूरज, 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 सूरज
प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को छोड़। नहीं छोड़ूंगी। इस औरत लड़की की वजह से तुमने मुझे छोड़ा, मेरे प्यार को छोड़ा। अगर ये न रहेंगे तो तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें धोखा, मैंने तुम्हारा खून किया। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? I'm sorry स्नेहा। छी राहुल छी, तुमने अपनी छोटी इज्जत के लिए एक खून कर दिया, एक लड़की को मार दिया। ये शायद मुझे कितने दिनों से बताना चाह रही थी, मेरे बेटे की जान को खतरे में डाल दिया। तुम्हें सजा मिलेगी, तुम माफी के लायक नहीं हो। स्नेहा, इसे माफ मत करना। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हूँ। सूरज को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। स्नेहा प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। पापा, पापा। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।